वी विल स्ट विद के मैप ओनली जहाँ पर हमने लास्ट टर्न पे छोड़ा था लास्ट टर्न पे आई हेड गिवन यू थ्री क्वेश्चन आप लोगों ने के मैप बनाया है उसका कि मैं तक किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है नो मैम ओके किसी को कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हो ठीक है लेट्स कंटिन्यू विथ गेम एप्स ओनली देखते हैं हमने लास्ट में कहाँ पर छोड़ा था Uh, उसके बाद uh, एक टॉपिक और रह जाएगा दैट इज़ रिंग्स एंड फील्ड्स वी विल कवर दैट एंड मॉड्यूल फोर वुड बी कम्प्लीटेड ठीक है लेटल एंट्री स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक है अलग से आके भी पूछ सकते हो ओके uh, okay. uh, हमने लास्ट टर्न पे यहाँ पे स्टॉप uh, किया था uh, किम ऐप्स के हमने देखा था कि दो तरह की फॉर्म्स होती हैं सोप फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म

ठीक है अब यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट हमने वेन डायग्राम फॉर्म में लिखा है इसको ठीक है सेकेंड हमने लिखा है सम ऑफ मिन टर्म्स में दूसरा लिखा है मैक्स टर्म्स में कैसे अब ए बी प्लस बी सी था तो ए बी देन सी थी. तो सी की वैल्यू ज़ीरो है वन है ए की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो वन वन और बी की वैल्यू ज़ीरो वन वन एंड ज़ीरो सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है देन हमने सम ऑफ टर्म्स को लिखा है सो सम ऑफ टर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन था ए बी प्लस बी सी बार तो ए बी देख लेते हैं ए बी फर्स्ट मिनटर्म है सेकेंड मिनट इज बी सी बार बी सी बार और बी सी डैश ठीक है नाओ ए बी का देखते हैं तो ए बी हो गया हमारा जीरो 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 वन सो यहाँ पे एक की वैल्यूज जीरो uh, पे एक वैल्यूज वन 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 एंड वन जीरो तो ए की वैल्यू वन है तो दिस इज ए एंड दिस इज ए बार ओके सो दिस इज ए बार एंड लेफ्ट टू सेल्स आर ए बार राइट टू सेल्स आर ए सो दिस इज ए नाउ नेक्स्ट इज बी एंड वन इज बी सो बी इज दिस वन इज वन एंड दिस वन इज वन So out of uh, this A and out of this B, which one was present? Okay, so common common uh, term was this. If if you you know uh, uh, if you write another form of AB, you will get one one zero, right? Uh, one one zero plus one one one. Uh, if you add them, you will get one one. That is AB, right? Uh, are you getting my point for example if there was a b so we can write a b as a b is equals to a b c plus a b c bar right because c plus c bar is 1 and that is equal to 1 1 uh, sorry one one and one plus one one zero and what is this this is seven, four, two, one, right and what is this this is six and in cell where is six and where is seven so this is zero, one, uh, two, three, uh, zero, one, two, three. 0 2 3 then 4 5 and 6 7 so this one is six and this one is seven

बी इज uh, यहाँ पे ये भी है और ये भी है एंड वॉट इज बी सी बार जहाँ पे सी बार भी हो सी बार ये है ये हमारा सी बार है ये नीचे सी है ठीक है तो बी सी बार कहाँ पे आ रहा uh, है दैट इज वन और जीरो वी की वैल्यू वन होनी चाहिए और सी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए तो यहाँ पे है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है दिस इज बी सी बार एंड दिस इज ए बी ठीक है सो दिस इज़ वेंडाग्राम फॉर्म दिस इज़ समर्म्स मैक्स टर्म्स में आप जीरो जीरो को सर्कल करते हो वन वन हमने जहाँ पर लिखा इसके अलावा ये तीन सेल छोड़ दो वन टू वन थ्री ये तीन छोड़ के रेस्ट में यू विल राइट ज़ीरो एंड फिर उसको आप सर्कल करोगे ठीक है क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है अब आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया है का ठीक है post में हम किसको सर्कल करते हैं को ठीक है तो पहला जीरो हमने ये उठा लिया देखो, A C. अब देखो ए प्लस सी अब इसमें चार वेरिएबल थे फोर वेरिएबल्स थे टू टू दावर फोर 16 सेल्स सिक्सटीन सेल का के हमने बना लिया ठीक है फोर क्रॉस फोर अब हमने वैल्यूज लिखी हमेशा वैल्यू हम लिखेंगे जीरो 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 ऐसे ही इधर जीरो 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 लिखा है तो हम देखेंगे ए प्लस सी कहाँ पे है तो जीरो 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 वन में तो ए जीरो है यहाँ पे दिस वन इज ए ये पूरा पोर्शन ए है ठीक है सी कौन सा पोर्शन है सी हमारा ये वाला पोर्शन है तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया दिस वन ठीक है सो दिस इज ए प्लस सी ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है ऐसे ही बी प्लस सी बी कौन सा है हमारा बताओ कौन सा सेल है बी तो ए बी Uh, जहाँ जहाँ पे बी वन है तो ये रहा बी वन और येरा बी वन ठीक है तो ये एट सेल्स मिलके B बी बनाते हैं ये पूरे एट सेल्स ठीक है और वेर इज सी सी कौन से सेल्स बनाते हैं ये वाले सेल्स सी बनाते हैं अब हमारा बी प्लस सी कौन सा एरिया हो जाएगा ये फोर सेल्स ठीक है सो दिस इज बी प्लस सी ठीक है नेक्स्ट इज बी बार प्लस सी बार प्लस डी ओके यहाँ पे देखो बी बार प्लस सी बार प्लस डी बी बार कौन सा एरिया है बी बार इज दिस वन इज बी बार एंड दिस वन इज बी बार एंड सी बार डी कौन सा एरिया है सी बार डी है हमारा दैट इज जीरो एंड वन सी बार डी है दिस वन ठीक है ओह सो सॉरी किसी ने मुझे बताया नहीं हम पोस्ट में उल्टा लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी को समझ नहीं आ रहा क्या ये ये वाला के मैप सब लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए और खुद से सॉल्व करके बताइए वाला ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई विल आस्क फ्रॉम आईदर ऑफ यू पोज फॉर्म में हम हर चीज कॉम्प्लीमेंट करते हैं देखो ए प्लस सी अगर हम सोप लेते तो सोप में हमारा ए होता ए वाला ठीक है दिस वन इज ए ए एंड दिस वन इज ए ये पूरा पोर्शन ठीक है क्योंकि वन वन है और वन जीरो है तो ए की वैल्यूज वन सोप में ये होता लेकिन पोस्ट में ऑपोजिट हो जाते हैं ठीक है पोस में ए ए हम ए बार को हम ए मानते हैं और बी बार को हम बी मानते हैं ठीक है सोप में एक ए ए ही रहेगा और ए बार ए बार ही रहेगा पोस में उल्टा हो जाता है पोस्ट में ए बार जो है ए हो जाता है तो अब हम जीरो को ए मानेंगे यहाँ पे और वन सॉरी जीरो को हम हाँ ए मानेंगे और वन को हम ए बार मानेंगे ठीक है तो इसीलिए ए वाला जो पोर्शन अब रहेगा वो ये रहेगा ए वाला पोर्शन जो तो रहेगा वो ये पोर्शन रहेगा ठीक है ए ये रहेगा अब सी हम देखेंगे ए प्लस सी है है ना सी अगर सोप होता तो नीचे के दो रोज होते अदरवाइज क्योंकि पोस है तो ये वाला पोर्शन रहेगा ठीक है तो दिस पोर्शन अब ये चार सेल्स कॉमन आए सो दिस इज ए प्लस सी क्लियर है सबको ठीक है अब बी प्लस सी इसी तरह से बताओ बी प्लस सी बी हमारा uh, कौन सा से सेल था जहाँ पे ये है और ये है लेकिन पोस है तो हम लेफ्ट साइड ये वाला लेंगे आई विल इरेज दिस बी हम इसको लेंगे दिस इज बी एंड दिस इज बी ठीक है दिस पूर एक्चुअली ये पूरा है बी ठीक है ये आठ सेल्स मिलके बी बनाते हैं और सी हम किसको लेंगे सी अगर हमारा सोप होता तो नीचे की दो रोज होती अदरवाइज ऊपर की दो रोज हैं तो ये वाला अब इन चारों में कॉमन कौन सा आएगा ये वाला प्लस ये वाला तो, 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 तो ये चार सेल्स मिलके बनते हैं बी प्लस सी थी। ठीक है इसी तरह से आप आगे के सॉल्व कर सकते हो दिस इज अगेन के मैप ऑफ पोस्ट फॉर्म फिर से दे दिया है वो आपको निकालना है

ठीक है और इसी तरह रोज टॉप और बॉटम की जो होती है वो भी एडजेसेंट होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली रो आप ऊपर वाली रो में ये यहां से कोई भी सेल उठा के इसमें से नीचे वाले के साथ मर्ज कर सकते हो सो दिस सेल इज एडजेसेंट टू दिस वन दिस सेल इज एडजेसेंट टू दिस वन ठीक है इस तरह से इसी तरह टॉप और बॉटम के रोज और लेफ्ट मोस और राइट मोस्ट कॉलम सब एक साथ एडजेंट होते हैं ठीक है ओके okay. अब देख लेते हैं एग्जाम्पल एन अदर एग्जाम्पल इसमें हमें क्या करना है टू लॉजिकली एक्लेंट सेल्स बोथ कंटेन ओके ऑपरेशन ए ए पी प्लस ए बारीस टू पी वेर पी इज द प्रोडक्ट नॉट कंटेनिंग ए और ए बार तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली uh, हम इन दोनों को कम्बाइन कर रहे हैं अभी तक हम क्या रिप्रेजेंट करते थे मिनिमम फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते थे ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ठीक है बहुत सारे uh, थ्री थ्री वेरिएबल्स के फॉर्म में हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करते थे अब हमें रिड्यूस करना है वो ठीक है तो इसीलिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं ग्रुपिंग करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला जो टर्म है दिस इज वॉट इज दिस दिस टर्म इज अगर आप इंडिविजुअली लिखोगे तो दिस फर्स्ट टर्म इज ए बार बी बार सी डी बार एंड इसको लिखोगे तो ये है ये वाला है ए बार बी बार C and D bar है ना ये टर्म है और अगर सेकेंड टर्म को लिखोगे तो ये है A bar B and C D bar A bar B C and D bar अब इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो B प्लस बी बार इज वन तो फाइनल आपके पास क्या जाएगा A bar C D सी डी बार सॉरी है ना ए बार सी डी बार आ जाएगा तो जब आपने इन दोनों को मर्ज किया तो बेसिकली आपने इन दोनों की ग्रुपिंग की अब आप ग्रुप की वैल्यू निकालोगे तो भी ए बी ए बी सॉरी ए सी डी बार आएगा और अगर आप इंडिविजुअली uh, दोनों को लिख के फिर आप मिनिमाइज uh, करोगे तो भी आंसर सेम आएगा ठीक है ओके सिंप्लीफिकेशन सेल ऑफ एन वेरिएबल के मैप हैज एन लॉजिकली एडजेसेंट सेल फॉर एग्जांपल अगर दो वेरिएबल का के मैप है तो दो सेल्स अगर सॉरी थ्री वेरिएबल का के मैप है टू टू द्री एट सेल्स सॉरी दो वेरिएबल का है तो टू टू दू फोर सेल्स ठीक है तो अगर चार वेरिएबल का है टू टू दिक्कटीन सेल्स ठीक है एंड ऑलवेज कंबाइन एज मेनी एज सेल्स जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग करते हैं जैसे कि अगर हमारे पास चार चार के ग्रुप्स बन रहे हैं तो हम चार चार के ग्रुप्स को लेंगे और टू टू के ग्रुप्स को नहीं कंसिडर करेंगे ठीक है तो जो भी सबसे बड़ा ग्रुप होगा वो लेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हमारे सारे टर्म्स उसमें कवर हो जाएं, ठीक है अब देखते हैं ये चीज़ हमने कैसे कही है एग्जाम्पल इसमें देखो देखो एक तो ये है चार वाला हमारे पास ये है ठीक है अब हम इसमें से दो दो वाले नहीं बनाएंगे ये वन टू थ्री फोर ठीक है तो हम सबसे बड़ा वाला ग्रुप उठाएंगे दैट इज फोर वाला और वो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन रहा था हमारे पास जिसमें चार आ रहे हैं तो हमेशा हम सबसे बड़ा ग्रुप उठाएंगे छोटे वाले ग्रुप्स नहीं उठाएंगे ठीक है सो तो इसीलिए हम यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप उठाएंगे और ये पूरा मिलके बी बनाता है ठीक है क्योंकि क्योंकि ये बी कैसे बनाता है क्योंकि इसके अंदर a के भी सारे हैं और सी के भी सारे कॉम्बिनेशन हैं अलोंग विद बी ठीक है क्योंकि ये पूरा बाहर जो है वो सारा बी बार है तो ये पूरा हम लेंगे एज अ बी ठीक है हम इंडिविजुअली ग्रुपिंग नहीं करेंगे दो दो सेल्स की ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो यही लिखा है यहाँ पे कि आप हमेशा एक तो सारे सेल्स कवर करो देखो अभी इसमें ये वन रह गया ये वाला वन रह गया तो हम या तो हम इस वाले वन को ऐसे लिख दें ए बार बी बार और सी मतलब एक सेल के साथ ग्रुप कर दें लेकिन हम क्या करेंगे इसको एक सेल नहीं लिखेंगे हम इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे जब हम इन दोनों की कर देंगे तो हमें एक टर्म और रिड्यूस हो जाएगा ये वाला टर्म रिड्यूस होके क्या बन जाएगा बताओ कौन बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट से बताएगा कोई ए बार बी बार सी रिड्यूस होके क्या बन जाएगा जब हम उसको उसकी ग्रुपिंग करेंगे इस वाले सेल के साथ सेकेंड रो में सेकेंड सेल के साथ बताओ जल्दी बताओ या मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के नाम बोलूँ तब बताओगे हु? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स आदित्य बताएगा सिर्फ मेरी अकेले की पढ़ाई चल रही है क्या यहाँ पे ऐश्वर्या हर्षित अच्छा अब मैं जिसका भी नाम लूंगी और जिन बच्चों ने नहीं बोला उनकी अटेंडेंस मैं मार्क नहीं करूँगी अब इसका मतलब आप लोग सुन ही नहीं रहे हो क्या हो रहा है क्लास में और ये जो लोग मीटिंग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इनकी भी नहीं yes, समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है मैं रीड कर रहा हूं। मैं ये पूछ रही थी कि ये वाले सेल को हम इसके साथ मर्ज करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा इन दोनों का मैम सी डॉट ए बार सी और बी बार सी डॉट ए बार सी डॉट ए बार करेक्ट बाकी बच्चों को क्लियर है आपको समझ आया ओके ठीक है अब देख लेते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट क्या होता है तो प्राइम इम्प्लीकेंट होता है कि प्रोडक्ट टर्म दैट इज नॉट कवर्ड बाय अनदर इम्प्लीकेंट ऑफ द फंक्शन मतलब कोई पूरे एक मन टर्म में कोई एक ऐसा टर्म uh, होना चाहिए जो कि किसी भी और मन टर्म के साथ कवर नहीं होता हो ठीक है तो वो हम बता आगे देखेंगे कैसे और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट क्या होता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट इज अ प्राइम इम्प्लिकेंट दैट कवर्स एट लीस्ट वन मिनिम वन मिंटम दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लिकेंट या सो आगे देखते हैं कि क्या है इम्प्लिकेंट uh, और प्राइम इम्प्लिकेंट अब इसमें देखो क्योंकि हमने दो ग्रुपिंग की है इसमें हमने uh, देखो सारे पॉसिबल मिंटम कौन-कौन से थे Uh, एक पॉसिबल uh, सारे पॉसिबल तो ये थे वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये पॉसिबल मिनटर्म्स थे ठीक है तो ये सारे तो पॉसिबल मिनटर्म्स हो गए देन ग्रुप्स ऑफ टू मिनटम्स टू मिनटर्म्स के कौन कौन से बन जाएंगे एक ये बन जाएगा एक ये चार तो ये बन जाएंगे है ना और फिफ्थ ये वाला बन जाएगा तो ये हमारे टू मिनटर्म्स आ गए ग्रुप्स ऑफ फोर फोर का एक ये बी वाला बना था है ना ये पूरा कम्प्लीट तो ये वी बन जाएगा अब प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं कि जिसके बिना ठीक है जो मैक्सिमम आप निकाल रहे हो उसमें ठीक है फॉर एग्जाम्पल तो आपके प्राइम इम्प्लिकेंट्स एक तो ये है और दूसरा ये है कि जिसके बिना ये दोनों अगर आपने नहीं लिखा तो आप ये कुछ मिस कर दोगे क्वेश्चन में दैट मीन्स इसके बिना हम वो टर्म नहीं लिख सकते इन दोनों की जरूरत है ही ठीक है इसमें से कोई सा भी एक छूट जाएगा लेकिन हाँ अगर आपने ये फाइव लिखे तो भी ठीक है ठीक है ये फाइव अगर आपने लिख दिए तो भी सही है ये वा, ये वाले फाइव भी लिख दिए तो भी सही है क्योंकि सब कवर हो रहा है है ना लेकिन ये जो प्राइम इम्प्लिक्स है कि इसके बिना आप नहीं वर्क कर सकते ठीक है ये तो चाहिए ही चाहिए उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब इसके अलावा आप और भी टर्म्स यहाँ पे लिखो तो चल जाएगा यहाँ पे प्लस ये लिख दो ये लिख दो ये लिख दो इसके आगे प्लस कुछ भी लिख दो वो सब चल जाएगा ठीक है दैट इज प्राइम एम्प्लीकेंट अब कवर क्या है कि इस पूरे फंक्शन का फाइनल आंसर वो दैट इज कवर जो कवर कर रहा है उसको ठीक है एंड मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा एम सोप इज ए सी प्लस बी ए सी प्लस बी ठीक है तो दिस इज योर फाइनल आंसर अब देखते हैं एसेंशियल प्राइम एम्प्लीट क्या होता है तो एसेंशियल प्राइम ओके आ, आगे देखेंगे एसेंशियल प्राइम क्या होता है आ, चलो सबसे पहले हाँ एसेंशियल प्राइम एम्प्लिक्स के लिए ऐसा होना चाहिए अगर कोई टर्म इस तरह का है ठीक है इस तरह की ग्रुपिंग हो रही है तो इसमें ये वाला भी एसेंशियल है और ये वाला भी एसेंशियल है लेकिन अगर कोई इस तरह की ग्रुपिंग हो रही है ये ग्रुपिंग है देन ये ग्रुपिंग है देन ये वाला किसी और? तो ये इसमें जो है दो ग्रुपिंग कंबाइन हो रही है जहां पे भी आ, आ, कोई भी टर्म सारे के सारे टर्म्स में से कोई भी एक लेफ्ट आउट नहीं है ठीक है सब दो या दो से ज्यादा बार कवर हो रहे हैं तो दैट इज नॉट असेंशियल तो ये वाला तो असेंशियल है ये वाला असेंशियल है बट ये वाला असेंशियल नहीं है ठीक है हर एक टर्म को देखना है हमें उस ग्रुप में हर एक टर्म अगर दो या दो से ज्यादा बार अ, सर्कल हो रहा है ठीक है ग्रुप बन रहा है उसका तो वो असेंशियल नहीं है अगर हर एक में है ठीक है कोई एक भी अगर मिस आउट होता है तो वो असेंशियल होगा ठीक है जैसे इसमें ये वाला टर्म मिस था आउट हो गया ये वाला जो भी था ए बी सी एक्सेक्ट्रा ये वाला मिस आउट हो गया और इसमें ये वाला मिस आउट हो गया तो ये दोनों असेंशियल है ठीक है Uh, देखो अब इसमें देखते हैं जेनरेटिंग एंड सिलेक्टिंग प्राइम एप्लीकेंट्स कैसे बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चॉइस इफ मोर देन वन चॉइस इज पॉसिबल सबसे पहले फ्यूअर्स नंबर ऑफ एडजेसेंसीज वाले सेल्स को हम कवर करेंगे यहाँ पे देखो हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने को दिया है एग्जाम में अगर सबसे पहले हम वो वाले सेल्स को कवर करेंगे जिसके आसपास में कुछ नहीं है फॉर एग्जाम्पल इसके आसपास में तीन सेल्स खाली थे तो हम पहले इसको ले लेंगे क्योंकि ये तो हमें लेने की जरूरत ही पड़ेगी क्योंकि इसकी ग्रुपिंग बहुत कम सेल्स के साथ हो सकती है है ना इसी तरह ये वाला जो सेल है इसकी भी ग्रुपिंग बहुत कम सेल्स के साथ हो सकती है क्योंकि इसके आस के भी दो सेल खाली थे और यहाँ पे भी दो सेल खाली है तो इसकी और इसकी ग्रुपिंग हमने कर दी इसकी और इसकी ठीक है क्योंकि जहाँ पे आसपास हमें ज्यादा खाली सेल्स मिल जाए तो हम पहले उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे फिर हम हाँ उसके बाद हमारे पास ये वाला बचा था तो हमने लास्ट में ये वाला सेल ग्रुप कर लिया हम सबसे बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आ, 16 का अगर सिक्सटीन uh, सेल्स की अगर हमारे पास मैट्रिक्स uh, बनी है तो 16 में से हम पहले 16 का ग्रुप देखेंगे है कि नहीं फिर 8 का देखेंगे है कि नहीं फिर 4 का फिर 2 का 2 का हम लास्ट में देखेंगे ठीक है तो सर्कल ऑल द प्राइम एप्लीकेंट्स ऑन द की मैप, आइडेंटिफाई ऑल द एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट्स फॉर द कवर सिलेक्ट मिनिमम सबसेट ऑफ रिमेनिंग प्राइम एप्लीकेंट्स टू कंप्लीट द कवर तो एसेंशियल वाले पहले अगर आपको uh, मिल जाते हैं तो एसेंशियल वाले एसेंशियल वाले तो होंगे ही होंगे उनके बिना वो रिप्रेजेंट uh, नहीं कर पाएगा है ना uh, पूरे फंक्शन को तो एसेंशियल वाले तो होंगे ही

तो एक ये वाला सेंचल है एक ये वाला सेंचल है लेकिन ये वाला सेंचल नहीं है ठीक है क्योंकि इसके दोनों जो है कहीं और कवर हो रहे हैं ठीक है दीज आर फर्दर एग्जाम्पल्स अब देखो फाइव वेरिएबल वाले में एक चीज बस चेंज होती है इसमें ये पूरा ए है ए बार है और ये पूरा ए है तो ए बार देखो फर्स्ट टर्म इज जीरो 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 एंड जीरो और यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज वन 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 एंड वन और ये जो इसमें ग्रुपिंग होगी ये ऐसे समझो कि एक शीट है उसके ऊपर दूसरी शीट है ठीक है तो ये जो ट्वेल्व एंड थर्टीन ये वाले सेल है ये इनके साथ ग्रुप हो सकते हैं ठीक है हर एक शीट एक शीट के ऊपर रखिए इस तरह से समझो जैसे क्यूब होता है ठीक है तो क्यूब में उस तरह की ग्रुपिंग है इसीलिए लेफ्ट मोस्ट वाला जो सेल है ये वाला जो सेल है ये वाला सेल इस वाले सेल के साथ ग्रुप कर सकता है ये वाला सेल इस वाले के साथ ग्रुप कर सकता है ठीक है तो हर एक ऊपर वाले शीट का नीचे वाले शीट का कोरेस्पोंडिंग सेल्स ग्रुप कर सकते हैं दिस इज फाइव वेरिएबल फंक्शन ठीक है इसी तरह हम मैक्स टर्म के लिए जैसे मिनट टर्म में हम प्राइम इम्प्लिकेन्ट निकालते हैं मैक्स टर्म में हम प्राइम इम्प्लिकेट निकालते हैं तो मैक्स टर्म अगर देखोगे तो उसमें हम जीरो जीरो हम ग्रुप कर रहे थे जीरो ग्रुप्स किए हमने सारे ठीक है अब इसमें जो हम प्राइम इम्प्लिकेंट अगर हमसे पूछा जाए तो हम वो वाले निकालेंगे जैसे हम एक इसको बता देंगे कि प्राइम है एक इसको बता देंगे तो हम इसमें हम प्राइम इम्प्लीकेट्स बताएंगे ठीक है मैक्स टर्म पोस्ट केस में होता है और प्राइम इम्प्लीकेंट भी पोस्ट के केस में होता है सोप के केस में होता है मिंटम और प्राइम इम्प्लिक ठीक है अब ये एग्जाम्पल जो है फाइंड द एम्पोज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग यूजिंग एल्गोर्दम देखो अब हमें क्या करना है सपोज एलगोर्डम कहती है कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन निकालना है ऑन द के मैप एफ डैश एफ डैश निकालना है Uh, uh, प्लॉटिंग है ठीक है मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सम वाली फॉर्म निकालनी है ठीक है तो अब आप, आप क्या करोगे सबसे पहले आप एफ कॉम्प्लीमेंट uh, जो भी था उसको प्लॉट करोगे ठीक है एफ कॉम्प्लीमेंट आप प्लॉट कर लोगे और F कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लोगे तो F कॉम्प्लीमेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा फिर आप दोनों तरफ डी मॉर्गन लॉ लगाओ तो जब आप डी मॉर्गन लॉ लगाओगे तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब इस पूरे पे बार लगाओगे और खोलोगे इसको तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगी डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी होल बार इज ए बार प्लस बी बार राइट तो जब आप इसे खोलोगे तो आपको इस वाले टर्म को खोलोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा है ना तो इसीलिए जब आप जब आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट से फॉर्म निकालनी हो तो आप कॉम्प्लीमेंट का मेले सोप बना लो फिर आप उसको पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है ये सारे क्वेश्चंस आप वो घर जाके सॉल्व करने हैं नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आपको पूछना है ठीक है इसी तरह ये पोस्ट का है पोस्ट में सारे जीरो जीरो की ग्रुपिंग हो रही है देखो फाइव वेरिएबल वाले में ठीक है सो दैट्स ऑल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स uh, है बट के मैप्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें गलती होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है चलो आई टीक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे